हरि ओम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो आवर एनवायरनमेंट लेसन 14। क्या लेनी है हमें 14 के? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब मालूम है क्या है? एनवायरनमेंट मतलब हमारा चार पांच चारों तरफ क्या है, परिवेश। क्या बोलते हैं पता है हमारे चारों तरफ क्या है? प्लांट है, एनिमल्स है, हम इंसान है और पड़ोसी नेबर से सबको लेके हमें क्या बोलना है? एनवायरनमेंट। प्लांट चारों तरफ क्या लगाना चाहिए? ट्रीज या प्लांट्स? प्लांट्स बोलोगे तो सभी बताते, सार हार ट्रीज सब कुछ समझाते हैं। तो ये लेसन में क्या दिया गया देखो, एक फैक्ट्री दिए है, हैं? आप लोग देखे होंगे फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा सामने हैं, बहुत सारे वो चिमनी से धुआं निकलता है, कितना गंदा धुआं निकलता है, काले काले ऊपर, तो हमारा क्या होता है? पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, गाटर के पानी और चिमनी से ये नीचे से जो पानी फैक्ट्री का पानी सब निकलता है काले काले, तो वो कहाँ जाता है? नदी में, रिवर में, हाँ रिवर में वो पानी गिरता है, तो क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। गटर लाइन के पानी कहाँ जाता है? वो सब निकल के क्या करते हैं? नदी में देते हैं, रिवर में फ्लो हो जाता है, तो वो क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन। और ये चिमनी से जो धुआं उठ के ऊपर जाता है तो वे क्या होता है? हवा में मिक्स होता है, और हवा में मिक्स होने के बाद वो क्या होता है? एयर पॉल्यूशन। उसको क्या बोलना होता है? एयर पॉल्यूशन। हम सांस लेते हैं एयर से, हवा से सांस लेते हैं, और वो धुआं का गंदा सब बात क्या करते हैं? शरीर में आता है, और उसमें से हमें तबियत खराब होता है, बीमार हो जाते हैं, नहीं? तो इसको बोलते हमें एनवायरनमेंट। आस पास सब कुछ क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, हाँ? वो क्लीन कैसे होगा? जितने ट्रीज प्लांट चारों तरफ हो गए उतना ही अच्छा है। जैसे घर के आसपास सभी लोग बंगलों में या बड़े बड़े क्या बोले प्लॉट में या फार्म हाउस में नहीं रहते, कोई फ्लैट में रहते हैं, यस। तो फ्लैट में क्या होता है? हम गमला भी लगा सकते, गमला में भी प्लांट लगा सकते, यस। कितना स्टूडेंट सुन रहा है, कितना स्टूडेंट किसान पॉल्यूशन, ये चिमनी से ये जो धुआं निकलता है वो सब पॉल्यूशन करते है, खराब करता है। पॉल्यूशन मतलब मालूम है? सब खराब हो जाता है, हवा में वो गंदगी आता है तो हम सांस लेने प्रॉब्लम होते है, नहीं? आप देखो ना कचरा, जहाँ पे सब कचरा लेके एक जगह एक प्लेस है वहाँ पे फेंकते है, वो कचरा का आग लगा देते है, वो ये बोलो आके म्युनिसिपल बोलो या पंचायत वालों आके वहाँ आग लगाता है, वहाँ से पास से कोई भी आना जाना होता है तो क्या होता है उसका? कितना गंदा वासना आता है। तो वो अगर हमें उस टाइम उस साइड में जा रहे हो तो क्या होता है? वो सांस लेने टाइम अंदर जाता है शरीर में, उसमें से हम बीमार पड़ जाते हैं। स्ट्रेट बैठो, अरे ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, स्ट्रेट सीधा। दिस इज मिनीज हाउस, एक लड़की का नाम क्या है? मिनी। और उसको देखिए उसके घर है, उसके घर देखो ये छोटा सा घर है, और उसके सामने क्या है? फैक्ट्री है, हाँ फैक्ट्री से धुआं उड़कर कितना आ रहा है ये देखो चारों तरफ, और उसके पास से क्या है? रोड है, बस जा रहा है, हाँ? और बस का भी कार बस व्हीकल जितना जाता है उसका भी धुआं आता है ना, वो भी पॉल्यूशन होता है, हाँ? देखो ये काइट फ्लाइंग डे हो रहा है नीचे, दिस इज द टीनूज हाउस, ऊपर मिनीज हाउस मिनी के घर है, और नीचे
तीनू के हाउस है, दोनों लड़के तीनू तीनू के घर है। ये कितना फ्रेश है देखो, यहाँ फ्रिज रखा हुआ, नीचे एनिमल्स है, बस लाइन दूर से जा रहा है और फैक्ट्री कोई कुछ नहीं है, बार्स उड़ रहा है प्लांट के ट्री के ऊपर ऊपर है, तो ये दिखाया गया। बहुत खुशी है, स्किपिंग खेल रहा है, पतंग उड़ा रहा है, मम्मी लोग देखो खाना लेके ये के ऊपर पेड़ के नीचे बैठे हैं, है। नेक्स्ट पेज, लिस्ट सम थिंग्स अराउंड मिनी और लिस्ट सम थिंग अराउंड तीनू, तीनू और मिनी का अलग अलग लिखने के लिए कहा। ये बॉक्स जो दिया है, तीनू के घर में क्या है, आप क्या कर रहे हो, तीनू के घर में क्या है वो प्लेस में, और मिनी के घर में क्या है वो आप बॉक्स में लिखो। पहले मिनी अराउंड अस, हाँ, मिनी के चारों तरफ क्या क्या है, क्या है बोलो तो, मिनी के घर के पास पास फैक्ट्री, मिनी हाउस, ये राइट साइड में जो बॉक्स है उसमें लिखो। मिनीज हाउस, कौन है, सिट अप, फैक्ट्रीज, पपी, कार, बस, बटर फ्राई, रोड, हाँ क्या क्या है वो लिखो।
मेक अप द एनवायरनमेंट अराउंड मीनी दीज थिंग्स मेक अप द एनवायरनमेंट अराउंड टीनू। दोनों के मेकअप एक्टिविटी दिया है, देखो कार्ट स्ट्री ऑफ व्हाइट कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड को व्हाइट कार्डबोर्ड कलर के उसको काट किया है। अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ वैसलीन ओवर इट, तो पेपर के ऊपर क्या लगाया, वैसलीन, स्ट्रेट फिक्स बैठा वैसलीन लगाया गया, और हैंग इट अप इन योर क्लासरूम, उसको क्या क्या क्लासरूम में ऐसे ब्लैक बोर्ड में अटैच कर दिया है। ऑब्जर्व इट आफ्टर टू और थ्री डेज में क्या क्या उसको ऑब्जर्व करने लगा, क्या होगा, क्या लगाया, पेपर कटिंग करके उसके ऊपर क्या लगाया गया, वैसलीन। वैसलीन मालूम है ना, अभी ठंडी टाइम जो लगाते हैं पाँव में हाथे में, वो वैसलीन चिपका के इसे कार्डबोर्ड में चिपका दिया, सॉफ्ट बोर्ड में हुँ? और वो दो तीन दिन के बाद हम देखेंगे क्या उसमें काले जहाँ पे वैसलीन है वहाँ पर पूरा छाप हो जाता है। कैसे है आपको पता है, नहीं, धूल मिट्टी डस्ट कितने होते हैं वो पता चलता है, जो हमें यहाँ फ्लोर साफ हो ऐसे हवा में भी कितने डस्ट आता है उसके ऊपर बैठ जाए, चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं। ऐसे में ये ब्लैक बोर्ड सोचो, ऐसे हम कर दिया तो वो साफ हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन जो वैसलीन लगाया गया उसमें जो चिपकेगा वो तो गिरेगा नहीं, नहीं जाएगा, उसको वो हिलाओगे तो भी नहीं जाएगा, वो चिपक रहेगा, तो उसको बोलते हैं उसका दिखाई देता है जी इतना डस्ट होता है, एक्टिविटी दिखाया है। आप लोग घर में भी ऐसा ट्राई कर सकते हो, घर में होगा दीवार में एक ये ले लो व्हाइट कलर के पेपर ले लो, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा वैसलीन चिपका देना, ऐसे अच्छा से डिप करके चिपका के घर के एक ऊपर एक सेलो टेप लगा के दीवार में ऐसा रख देना, दो तीन तीन चार दिन के बाद देखोगे डस्ट एकदम काले काले हो गया। कैसे हो गया, जहाँ पर वैसलीन है वहाँ ही दिखाई देगा जो काला हो गया, क्या है वो, डस्ट है, गंदगी है, इतना धूल मिट्टी। हम लोग जो ये मास्क पहनते हैं ये एक तरह से बहुत अच्छा है, क्यों, एक तो कोरोना के लिए हम जान ना आए इसीलिए, दूसरी तरफ नाक और मुंह में कोई डस्ट अंदर नहीं जाता है, समझ में आया, क्या हुआ उसको, मैंने बोला ना किसी का नहीं देखने का, अपना ही देखना है, बुक में कुछ नहीं लिख रहा है, देखो उसको बुक बोलते हो, बुक समझ में नहीं आता है, उसको बता नहीं सकते हो आप, आपको क्या लिखा है, मैंने बुक ये दिखाया नहीं ऐसा है, आपको बुक मतलब समझ में नहीं आता है, इसको क्या आता है, हैं? ये बुक में दोनों में की नहीं, दोनों भाग करके लिख के दिया, देख रहा था एक ऐसा, इसमें लिखो ये दोनों में जल्दी, ओके नेक्स्ट हमें क्या दिखना है, कैन यू सी दैट स्टिकिंग टू द कार्डबोर्ड, मैं जो समझे बोला है, वेयर डिड द डॉट कम फ्रॉम, What thing you in your environment that is the air? What cleans the air? The air in a clean city has become dirty. It has become difficult to breathe. What will you tell the people of the city to do to clean the air? Air clean कहीं भी नहीं होता है, city में ज़्यादा होता है, बस चलता है, हाँ गाड़ी चलता है तो उसमें ज़्यादा होता है। Wash your two number activity. Wash your hands with soap and water. आप लोग मालूम है पहले आपको घर जाने के बाद पहले क्या करना है, सॉप और साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। हाँ साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए अच्छा से, वाटर एंड सॉप से, एंड कलेक्ट द वाटर इन द वॉश बेसिन, क्या करोगे वॉश बेसिन में हाथ धोना चाहिए। ऑब्जर्व द वाटर हैज इट बिकम डर्टी, वो गंदगी अच्छा से साफ हो जाए,
फिर वेयर डिड द डॉट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये जो गंदगी कहाँ से आता है? व्हेन यू यूज सोप एंड वाटर टू द क्लीन योर बॉडी द वाटर बिकम्स डर्टी, शरीर में भी साबुन से हाथ धोना चाहिए। राजवीर तो कुछ भी नहीं है। व्हेन यू फ्लश योर टॉयलेट वाटर अवेक्स द टेक्स अवे द डर्ट, क्या करोगे आप जब वाटर डालना है बॉडी में, साबुन और पानी से अच्छा से धो के क्या करना चाहिए, शरीर को क्लीन करना चाहिए। हाउ डू यू थिंक ऑल दिस डर्टी वाटर गोज, इट मे गो टू रिवर टू ए लेक इन योर सिटी, इट मे इवन गो टू द सी इफ योर सिटी इज ऑन द सी शोर, डर्टी वाटर फ्रॉम अदर हाउसेस इन योर सिटी ऑल्सो गोज देयर। द वाटर इन द रिवर लेक सी बिकम्स डर्टी, वो भी गंदा होता है वाटर, रिवर लेक सब पानी, लेक साफ होता है अच्छा पानी वहाँ बंद करके रखते, लेकिन रिवर में तो वो सब गाटर पानी फैक्ट्री का पानी सब जाता है ना, वो डर्टी वाटर। ए लॉट ऑफ डर्टी वाटर कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री, कहाँ से आता है, फैक्ट्री से। इट ऑल्सो डर्टी इज द रिवर लेक और सी वाटर, लेक और सी से डर्टी वाटर हार्म्स द फिश एंड प्लांट्स ग्रोइंग इन टू द इन द वाटर, द वाटर इन योर हाउस मे कम फ्रॉम सेम लेक और रिवर, इट हैज टू क्लीन द, इसको क्लीन करना है बिफोर सप्लाइंग टू योर हाउस, घर आने के घर में पानी भेजते हैं ना रिवर के पानी, तो उसमें क्या करना है क्लीन करके तभी भेजते हैं, जैसा नहीं बोलते हम लोग यहाँ के नर्मदा के पानी चालू हो गया है, नर्मदा मतलब क्या रिवर है, उससे पानी कैसा होता है प्यूरिफाई होता है, उसको क्लीन करना होता है तभी पानी हमें छोड़ते हैं वो लाइन को अंदर से। बुक ऊपर रखो। फिर इट इज द नॉट प्रॉपरली क्लीन यू विल फॉल सी इफ यू ड्रिंक द वाटर, पीने का पानी अगर सचमुच क्या कर रहे राजवीर, वो क्या है उसको क्यों लिया आपने, आप लोग क्या करना है क्लीन, अगर पानी सचमुच अच्छा से क्लीन नहीं होता है तो क्या होते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं। मास्क ठीक से पहनो, मास्क ऊपर उठाओ नाक के अंदर, नाक के ऊपर, और यू आर लकी टू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन योर हाउस, घर पे जो क्लीन वाटर आता है वो सचमुच लकी है अच्छी। Lots of people in India do not have clean water to drink. Clean water is precious. You should never waste it. Clean water बहुत अच्छे होते हैं। Clean water जो पीने के लिए लाते हैं वो क्या है? अच्छा पानी आता है। Yes or no? Yes. तो हमें वो क्या करना होता है? पीने का पानी बहुत अच्छा से वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए पीने का पानी, वो क्लीन होता है, हैं? वो पैसा से लेना पड़ता है, ऐसा नहीं क्लीन होता है। ओके नाउ अब मैंने हार्ड वर्ड्स लिखाऊंगी।